हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा स्टाइल्स और मैं हूँ अनीशा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये है कि मैं आज आपको ना एक चैलेंज वीडियो करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। एस फ्रेंड्स, चैलेंज मींस फूड चैलेंज। और मैंने कहीं यूट्यूबर्स को देखा है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ना अपना फूड चैलेंज किया है ए टू जेड। और मैं ना कुछ दूसरा कुछ अलग सा फूड चैलेंज करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने चुना है कि मंथ्स 12 मंथ्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और आप बोलेंगे कि उसमें रिपीटेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि जनवरी, जून, जुलाई। और मैं उसमें ना थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फूड खा रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ना पसंद आएगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो पर एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो बेल बटन होगा ना उसे भी ऑन कीजिए, क्योंकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपसे जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला जो स्टार्टिंग मंथ होगा वो है जनवरी। जनवरी में जो फर्स्ट लेटर होता है वो है जे। जैसे मैं यहाँ पर खा रही हूँ कि ये जूट जेली। पहले मैं छोटे फ्रूट से, छोटे चॉकलेट से ही मैं स्टार्ट करूँगी अपना चैलेंज वीडियो। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और इसके ऊपर ना ये जे से लिखा है, और मैं पहला ये खाती हूँ। नेक्स्ट जो मंथ का ये है कि फेब्रुवरी। फेब्रुवरी में जो होता है कि वो स्टार्टिंग लेटर जो होता है कि वो है एफ। तो एफ से मैं यहाँ पर खा रही हूँ ये फ्लेक्स सीड्स। मैं बस थोड़ा सा ही लेती हूँ। इसे चाबने में ही मुझे टाइम निकल जाता है। मैंने अपने लाइफ में पहली बार फ्लेक्स सीड्स खाया है, बस अपने सर पर ही लगाया है। आप भी इसे ट्राई करना, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद खाती हूँ, मैं खुद नहीं खाती हूँ इसलिए। थर्ड मंथ होता है वो है कि मार्च। मार्च में जो फर्स्ट लेटर होता है कि वो है कि एम। एम से मैं यहाँ पर खा रही हूँ ये मैंगो। रियली फ्रेंड्स, आपका मुंह का ना टेस्ट पूरा ना पूरा ही बदल जाएगा, क्योंकि पहले आप मीठा खा रहे हो, फिर खट्टा खा रहे हो, फिर मीठा खा रहे हो, फिर फ्लेक्स सीड्स खा रही हो। जो नेक्स्ट आता है कि जो मंथ में जो मार्च के बाद होता है वो है अप्रैल। अप्रैल से मैं यहाँ फर्स्ट लेटर ये है, और मैं ये से खा रही हूँ इधर आलमंड्स। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 2 आलमंड है। मुँह में ना कुछ टेस्ट भी नहीं नज़र आ रहा है। मुझे चबाने में ही ना बहुत काफ़ी टाइम चाहिए इसलिए। नेक्स्ट आता है वो है कि अप्रैल के बाद में। मैं से और जो पहला लेटर है वो है कि एम। एम से मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिल्क, थोड़ा सा मिल्क पी रही हूँ। मुँह का ना मुझे टेस्ट ही कुछ ही नहीं मालूम हो रहा है। मे का तो मैंने फर्स्ट लेटर कंप्लीट किया है मिल्क से, और हम अब जाते हैं मे के पास जून में। जून से मैं यहाँ पर जे, जे से मैं ये ले रही हूँ। ये है कि किसान का इधर पर मिक्सड जैम जो लिखा है,
मैं बस थोड़ा सा जैम खाऊंगी, इसमें भी बस थोड़ा सा ही है। दूध से कंप्लीट किया है इधर जेलेटर जैम से, और उसके बाद जुलाई आता है। जुलाई में मैं खा रही हूँ जेलेटर से, और मैं खा रही हूँ डिफरेंट फूड, और मैं यहाँ पर खा रही हूँ ये जैक फ्रूट। ये मैंने बहुत मार्केट में ना सर्च कर लिया है। आपको जैक फ्रूट पसंद है? मुझे ना जैक फ्रूट ना बहुत पसंद है, मैं बहुत पागल हूँ जैक फ्रूट की। इसकी स्मेल से भी ना मैं बड़ी पागल हो जाती हूँ। मेरी मम्मी बोलती है कि ये बहुत नहीं खाना चाहिए, और मुझे कमेंट कर बोलिए कि आप सभी को जैक फ्रूट, कितने लोगों को जैक फ्रूट पसंद है। मैंने जुलाई से कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, और जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त से मैं खा रही हूँ ये फर्स्ट लेटर जो है वो है अगस्त का ये, और मैं यहाँ पर खा रही हूँ एप्पल। कंप्लीट किया हुआ है अगस्त। अगस्त से मैंने एप्पल खाया है, और अगस्त के बाद जो आता है वो है लेटर सितंबर। सितंबर से जो होता है वो एस, और एस से मैं यहाँ पर खा रही हूँ ये स्नीकर्स। ये चॉकलेट भी मैं पहली बार ही खा रही हूँ अपने लाइफ में, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। अच्छा है, इसमें सारे नट्स हैं, आलमंड। बारी आती है नेक्स्ट सितंबर के बाद जो मंथ होता है वो है अक्टूबर। अक्टूबर से मैं ले रही हूँ ओ से मैं यहाँ पर खा रही हूँ ये ओरियो बिस्किट। आप कैडबरीज पर मत जाओ, ये कैडबरीज ना कंपनी है, और मैं यहाँ पर खा रही हूँ ये ओरियो बिस्किट। ये मैं पहली बार नहीं खा रही हूँ, ये मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है। मेरा मुँह का टेस्ट ही ना कुछ अलग सा ही हो गया है। पहले फ्रूट खाया, उसके बाद जैम खाया, और उसके बाद ये बिस्किट्स और ये चॉकलेट्स। अक्टूबर से भी कंप्लीट किया है ओरियो बिस्किट से, और मैं नवंबर पे जाती हूँ। नवंबर पे ये खा रही हूँ कि ये न्यूट्री चॉइस की डाइजेस्टिव बिस्किट है, ये भी ब्रिटानिया कंपनी की है। इसमें ज़ीरो शुगर और ज़ीरो मैदा, ये बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बहुत पसंद है बिस्किट इसलिए।
डाइट पर हो, आपको नहीं पता कि डाइट वक्त कौन से बिस्किट्स खाते हैं, तो ये बिस्किट आपके लिए बहुत अच्छा है। ये बिस्किट्स आप ये ट्राई कर सकते हो, इसमें शुगर भी नहीं है और ये आपके बॉडी को ना फैट भी नहीं बढ़ाता है। बहुत अच्छा बिस्किट है ये। मैंने नवंबर भी कंप्लीट किया है, नवंबर जो एंड लेटर होता है ना, मैं वही कंप्लीट किया है। और जो लास्ट लेटर होता है कि मीन्स वर्ड होता है कि वो है दिसंबर। दिसंबर से यहाँ पर फर्स्ट लेटर ना जो डी स्टार्ट होता है, डी से मैं यहाँ पर खाती हूँ कि एक किमिया डेट्स, लायन के किमिया डेट्स है ये। मज़ा आ रहा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फूड खाया है आज। और मेरा लास्ट जो दिसंबर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा मैंने फूड चैलेंज कंप्लीट किया है। ओके फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही है। और अब और मैं अपना फूड चैलेंज भी जो है जो मंथ से किया है वो भी मैंने कंप्लीट किया है। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा चैलेंजिंग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक ज़रूर सा एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है कि अनिशा स्टाइल्स। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मेरा वीडियो ना शेयर कीजिए। और आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन भी कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी अवेलेबल रहूँगी। नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक ज़रूर सा लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए। और ओके फ्रेंड्स, बस टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो से। और तब तक के लिए टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।